हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तभी हम लोग बात करने वाले थ्री फेज सिस्टम के बारे में। तो थ्री फेज सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं सिंगल फेज सिस्टम के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे थ्री फेज सिस्टम के बारे में। तो जो थ्री फेज सिस्टम है उसको हम लोग पॉलीफेज सिस्टम भी बोलते हैं। थ्री फेज सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीफेज सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें ऐसा पूछ लिया जाए एक्सप्लेन अबाउट थ्री फेज सिस्टम या फिर बोल सकते पॉलीफेज सिस्टम, तो दोनों का जो मतलब है वो सेम ही है। तो यहाँ पर ये थ्री फेज सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीफेज सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग थ्री फेज सिस्टम स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं सिंगल फेज सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिंगल फेज सिस्टम है उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, सिंगल फेज टू वायर सिस्टम और सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज टू वायर सिस्टम के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सिंगल फेज टू वायर सिस्टम के बारे में। तो सिंगल फेज टू वायर सिस्टम में बेसिकली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक एसी सोर्स। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया, ये एसी सोर्स, इसको हमने नाम दे दिया वी एट एन एंगल जीरो डिग्री। और यहाँ से हमें बेसिकली मिलेगा दो वायर, तो यही रीज़न की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं ये सिस्टम को सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। यहाँ से हमें एक वायर मिल रहा है, ये वाला जो वायर है वो कौन सा वायर है, कर्सर की टी फेस वायर है। और ये वाला जो वायर है वो कौन सा वायर है, न्यूट्रल वायर है। ये फेस वायर और ये न्यूट्रल वायर के बीच में क्या कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है जिसको हमने नाम दे दिया जेड सबस्क्रिप्ट में एल। तो जेड एल लोड कनेक्टेड है, राइट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में लोड कनेक्टेड है ये फेस वायर और ये न्यूट्रल वायर के बीच में। तो यहाँ पर हमें कितना वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दो वायर दिखाई दे रहा है। तो यही रीज़न की वजह से जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंगल फेज टू वायर सिस्टम के बारे में, हमने डिस्कस किया एक सिंगल फेज होगी और हमें दो वायर मिलेंगे, एक ये वाला हमें वायर मिल रहा है फेस वाला वायर, और दूसरा वाला जो वायर है वो कौन सा वायर हमें मिल रहा है, न्यूट्रल वायर मिल रहा है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है सिंगल फेज में वो है सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम। तो सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम में हमें क्या मिलेगा, हमें एक ही सोर्स मिलेगा। आई मीन सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो जो सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। थ्री वायर सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें हमें कितना वायर मिलता है, हमें मिलता है तीन वायर। तो ये रीज़न की वजह से जो सिस्टम है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया एक सोर्स, दूसरा जो सोर्स है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर हमें टोटल कितने वायर दिखाई दे रहे हैं, तीन वायर। यहाँ पर एक वायर दिखाई दे रहा है, बीच में एक वायर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी हमें एक वायर दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों वायर के बीच में लोड कनेक्टेड है और यहाँ पर भी ये दोनों वायर के बीच में लोड कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमें टोटल कितने वायर मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें टोटल मिल रहे तीन वायर। तो ये जो सिस्टम है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम। यहाँ पर ये जो सोर्स हमने जो कंसीडर किया इसको हमने नाम दिया वी एट एन एंगल फाइव, और यहाँ पर ये जो सोर्स है इसको भी हमने नाम दिया वी एट एन एंगल फाइव। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम। एक और एक सिस्टम होता है जो कि होता है टू फेज सिस्टम, और जो टू फेज सिस्टम होता है वो एकदम आइडेंटिकल होता है सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम के तरह। तो टू फेज सिस्टम अगर हम लोग देखें तो जो टू फेज सिस्टम है उसको हमने यहाँ पर बनाया। यहाँ पर ये टू फेज सिस्टम में भी हमें दो सोर्स मिलेंगे और हमें तीन वायर मिलेंगे, एक जो वायर है वो ऊपर की तरफ, दूसरा जो वायर है वो यहाँ पर मिल रहा है न्यूट्रल वायर, और तीसरा वाला जो वायर है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। अगेन अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये दो लोड कनेक्टेड है, यहाँ पर एक लोड कनेक्टेड है और यहाँ पर ये लोड कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये टू फेज सिस्टम और ये सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम के केस में होता है क्या, ये दोनों जो सोर्स होता है दोनों सोर्स के बीच का जो फेस एंगल होता है वो कैसा होता है, वो सेम होता है। तो एंगल डिफरेंस इन बिटवीन बोथ दी वोल्टेज सोर्स शुड बी सेम, जो एंगल डिफरेंस होता है दोनों वोल्टेज सोर्स के बीच का वो कैसा होता है, वो सेम होता है इन केस ऑफ सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम। मगर टू फेज सिस्टम के केस में होता क्या है, ये दोनों जो हमने जो वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया है दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो सोर्स है इसको हमने नाम दिया वी एट एन एंगल जीरो डिग्री, और यहाँ पर ये जो सोर्स है उसको हम लोग नाम दे रहे हैं वी एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि दोनों जो सोर्सेस है दोनों सोर्स के बीच में हमें फेज डिफरेंस मिल रहा है, और ये फेज डिफरेंस कितने का हमें मिल रहा है, 90 डिग्री का मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये फेज डिफरेंस इन बिटवीन टू सोर्सेज इज ऑफ 90 डिग्री, अगर दो सोर्सेज के बीच का फेज डिफरेंस अगर 90 डिग्री होता है तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टू फेज सिस्टम, राइट। तो टू फेज सिस्टम और सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम, टू फेज सिस्टम और सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम दोनों में डिफरेंस ये कि टू फेज सिस्टम में होता क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज ऑफ 90 डिग्री,
टू फेज सिस्टम में होता क्या है, टू फेज सिस्टम में जो फेज डिफरेंस होता है दोनों सोर्सेज के बीच का वो 90 डिग्री होता है। एक सोर्स का होता है 0 डिग्री और दूसरे का होता है 90 डिग्री, तो ये रीज़न की वजह से दोनों सोर्सेज के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। और टू फेज सिस्टम में और सिमिलरली सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम में क्या होता है, जो फेज डिफरेंस होता है दोनों सोर्सेज के बीच का वो सेम होगा, या तो 0 डिग्री होगा या तो 360 डिग्री होगा। फेज डिफरेंस इन बिटवीन टू बोथ दी सोर्सेज इन बिटवीन टू सोर्सेज इज सेम इन सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम। तो यहाँ से बहुत हद तक क्लियर है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम और टू फेज सिस्टम में। टू फेज सिस्टम में होगा क्या, जो फेज डिफरेंस होगा सोर्सेज के बीच का वो 90 डिग्री होगा। और सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम के केस में होगा क्या, जो फेज डिफरेंस है सोर्सेज के बीच का वो कैसा होने वाला है, वो सेम होने वाला है, आइडेंटिकल होने वाला है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें टू फेज सिस्टम में हमें कितने सोर्स मिलते हैं, दो सोर्स मिलते हैं और थ्री वायर मिलते हैं। सिस्टम हैज़ टू सोर्सेज एंड थ्री वायर। और सिंगल फेज थ्री फेज सिस्टम में सिस्टम हैज़ टू सोर्सेज एंड थ्री वायर। सिमिलरली दोनों में अगर हम लोग देखें दो दो सोर्सेज मिल रहे हैं और दोनों में हमें तीन वायर मिल रहे हैं। अगर ये टू फेज सिस्टम का अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें तो जो टू फेज सिस्टम है उसका जो एप्लीकेशन होता है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है और कमर्शियल एप्लीकेशन होता है। मगर ये वाला जो सिस्टम है सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम, इसका अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें तो इसका जो एप्लीकेशन होता है वो डोमेस्टिक एप्लीकेशन होता है। डोमेस्टिक एप्लीकेशन क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें डोमेस्टिक लोड को ऑपरेट करने के लिए हमें कितना वोल्ट चाहिए, हमें चाहिए 230 वोल्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैक्स टू मैक्स कितना वोल्टेज चाहिए, 440 वोल्ट वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर ये 120 वोल्ट और ये 240 वोल्ट वोल्टेज, 120 वोल्ट और 240 वोल्ट आई मीन जो वोल्टेज है हमें कितना चाहिए होता है, 120 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट वोल्टेज चाहिए होता है डोमेस्टिक एप्लीकेशन को ऑपरेट करने के लिए। तो 120 वोल्ट और जो 240 वोल्ट का जो वोल्टेज है उसको हम लोग इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम नेम एज सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सिंगल फेज सिस्टम के बारे में। सिमिलरली बात करते हैं पॉलीफेज सिस्टम के बारे में, जिसे थ्री फेज सिस्टम भी बोला जाता है, राइट। तो अभी बात करते हैं थ्री फेज सिस्टम के बारे में, जिसको पॉलीफेज सिस्टम भी बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगेन जो पॉलीफेज सिस्टम है वो दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम और थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। तो जो पॉलीफेज सिस्टम है मतलब थ्री फेज सिस्टम, उसको हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम और दूसरा है थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। तो अभी हम लोग बात करेंगे थ्री फेज फोर वायर सिस्टम के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉलीफेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, मतलब थ्री फेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमें बेसिकली मिलते तीन सोर्सेज और तीनों सोर्सेज के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने एंगल का होता है, 120 डिग्री एंगल का होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया एग्जाम्पल थ्री फेज फोर वायर सिस्टम का। तो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, हमें बेसिकली कितने फेजेस मिलते हैं, हमें तीन फेजेस मिलते हैं और हमें टोटल कितने वायर मिलते हैं, हमें मिलते हैं फोर वायर। अभी फेज का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फेज वोल्टेज हम लोग फेज किसको बोलते हैं, फेज वोल्टेज किसको बोलते हैं, लाइन वोल्टेज किसको बोलते हैं, इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है पहला वाला सोर्स, इसको हमने नाम दिया वी एट एन एंगल 0 डिग्री। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया दूसरा वाला सोर्स, इसको हमने नाम दिया वी एट एन एंगल -120 डिग्री। ये तीसरा वाला सोर्स, इसको हमने नाम दिया वी एट एन एंगल -240 डिग्री। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो तीनों जो सोर्सेज है, तीनों सोर्सेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमें कितना दिखाई दे रहा है, 120 डिग्री दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो सोर्स है इससे हमें एक वायर मिलेगा, ये वाले सोर्स से हमें एक वायर मिलेगा। सिमिलरली ये वाला जो सोर्स है इससे भी हमें एक वायर मिलेगा। हम लोग एक और एक वायर ले लेते हैं और ये जो वायर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पर हमें एक न्यूट्रल वायर मिल रहा है, यहाँ पर एक वायर मिल रहा है और यहाँ पर एक वायर मिल रहा है, एक वायर यहाँ पर भी मिल रहा है। तो टोटल हमें कितने वायर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं चार वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पहला वाला जो वायर है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं फेस ए, दूसरा वाला जो वायर है इसको हमने कंसिडर किया फेस बी, और ये जो तीसरा वाला जो वायर है इसको हमने कंसिडर कर लिया फेस सी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो न्यूट्रल वायर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो न्यूट्रल वायर है इसको हमने कुछ इस तरीके से आगे लिया और यहाँ पर हमने एक न्यूट्रल वायर का एंड ले लिया, मतलब ये जो न्यूट्रल वायर है इसको हमने कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाया। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल वायर से हमने यहाँ से कुछ इस तरीके से वायर लिया, फिर एक वायर यहाँ से लिया, फिर एक वायर हमने यहाँ से लिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल रहा है वायर है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल रहा है वायर है, और यहाँ पर हमें एक मिल रहा है न्यूट्रल वायर, यहाँ पर वायर भी और यहाँ पर मिल रहा है न्यूट्रल वायर, यहाँ पर ये वायर सी और यहाँ पर हमें मिल रहा है न्यूट्रल वायर।
तो यहाँ पर ये वायर है और ये न्यूट्रल वायर, दोनों के बीच में हमने लोड लगा दिया और ये जो लोड है इसको हमने नाम दे दिया ZL1। यहाँ पर ये वायर भी और ये न्यूट्रल वायर, दोनों के बीच में हमने लोड लगा दिया, लोड को हमने नाम दिया ZL2। यहाँ पर ये वायर थी और यहाँ पर ये न्यूट्रल वायर, दोनों के बीच में हमने लोड लगा दिया और ये लोड को हमने नाम दिया ZL3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो सिस्टम होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं 3-phase 4-wire system। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये 3-phase 4-wire system में हमें ये 3 phases, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए फेज नहीं बोलते हुए चलेंगे, हम लोग वायर बोलते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमें 3 wire किस तरीके से मिल रहे हैं, यहाँ पर ये जो पहला वाला वायर, ये दूसरा वाला वायर और ये तीसरा वाला वायर, ये वायर हमें मिलता कैसा है, ये जो वायर हमें जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हमें मिलता है जनरेटिंग स्टेशन से। जनरेटिंग स्टेशन पर क्या लगा होता है, जनरेटिंग स्टेशन पर लगा होता है अल्टरनेटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। और सिंक्रोनस जनरेटर की जो वाइंडिंग होती है वो कैसी वाइंडिंग होती है, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के बारे में, हमने पढ़ा था डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग के बारे में पढ़ा था। तो जनरेटिंग स्टेशन में बेसिकली होता है क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर लगा होता है जिसको हम लोग बेसिकली अल्टरनेटर भी बोलते हैं। और ये सिंक्रोनस जनरेटर में हमें बेसिकली जो वाइंडिंग जो मिलती है वो होती है स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, और ये स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग से ही हमें बेसिकली मिल जाता है 3 wire। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो न्यूट्रल वायर हमें जो मिल रहा है वो भी हमें स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग से ही मिलता है, किस तरीके से मिलता है बात करेंगे। तो यहाँ पर ही हमने बनाया ये है सिंक्रोनस जनरेटर, और इसमें हमें क्या मिल रही है, हमें मिल रही है स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, राइट। और ये स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग से ही हमें कुछ इस तरीके से 3 wire मिलता है। यहाँ पर ये पहला वाला वायर और यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है दूसरा वाला वायर, और यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से तीसरा वाला वायर। यहाँ पर ये जो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग हमने जो कंसिडर किया है, ये स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को अगर हम लोग बाहर निकालें ये सिंक्रोनस जनरेटर से, तो जो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है इसको हमने कंसिडर कर लिया वाइंडिंग है, यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है इसको हमने मान लिया ये है वाइंडिंग बी, और यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है इसको हमने मान लिया वाइंडिंग सी। तो यहाँ पर ये जो वाइंडिंग ए हमने जो कंसिडर किया, ये वाइंडिंग ए से हमने एक वायर ले लिया, और यहाँ पर ये जो वाइंडिंग बी है ये वाइंडिंग बी से हमने वायर ले लिया, और यहाँ पर ये जो वाइंडिंग सी हमें जो दिखाई दे रही है यहाँ से भी हमने कुछ इस तरीके से वायर ले लिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो तीनों जो वाइंडिंग हमें जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये वाइंडिंग है और यहाँ पर ये वाइंडिंग बी और यहाँ पर ये जो वाइंडिंग सी हमने जो कंसीडर किया है, ये तीनों वाइंडिंग ये पर्टिकुलर पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, हम लोग बोल सकते हैं कॉमन नोड के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कॉमन नोड हमने जो कंसीडर किया है, ये कॉमन नोड से हमें एक वायर मिलता है, और ये जो वायर होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रल वायर, राइट। इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रल वायर। तो ये जो न्यूट्रल वायर होता है ये हमें कौन से कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है, हमें मिलता है बेसिकली स्टार कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है न्यूट्रल वायर, राइट। यहाँ पर ये न्यूट्रल वायर और यहाँ पर ये वायर ए, दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको हमने कंसिडर कर लिया VAN, और यहाँ पर ये न्यूट्रल वायर और यहाँ पर ये वायर बी, दोनों के बीच का जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया VBN। सिमिलरली यहाँ पर ये न्यूट्रल वायर और यहाँ पर ये वायर सी, दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा VCN। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक न्यूट्रल वायर और एक तीनों में से कोई भी वायर, चाहे वायर ए हो, वायर बी हो या फिर वायर सी हो, इनके बीच का जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस वोल्टेज। मतलब यहाँ पर ये जो न्यूट्रल वायर हमने जो कंसिडर किया, ये न्यूट्रल वायर और यहाँ पर ये वायर है, दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वी सबस्क्रिप्ट में AN, और ये जो वोल्टेज होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वी सबस्क्रिप्ट में AN, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस वोल्टेज। तो फेस वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होता है, एक न्यूट्रल वायर और ये तीनों वाइंडिंग में से कोई भी एक वायर, उनके बीच का अगर हम लोग वोल्टेज कंसिडर कर ले, तो जो वोल्टेज हमें जो मिलता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वायर भी और यहाँ पर ये न्यूट्रल वायर, दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी हम लोग बोलेंगे फेस वोल्टेज। सबसे पहला यहाँ पर ही हमने न्यूट्रल वायर कंसीडर किया है और यहाँ पर ये वायर बी कंसीडर किया है, दोनों के बीच का जो वोल्टेज है उसको हमने नाम दे दिया वी सबस्क्रिप्ट में BN। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, VBN वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फेस वोल्टेज। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये न्यूट्रल वायर और यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया वायर सी, तो ये न्यूट्रल वायर
और ये वायर सी दोनों के बीच का जो वोल्टेज है उसको हमने कंसीडर किया है VCN वोल्टेज, और ये जो VCN जो वोल्टेज है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे फेस वोल्टेज। तो यहाँ से हमने ये डिस्कशन किया कि हम लोग फेस वोल्टेज किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तभी हम लोग डिस्कशन करेंगे फेस वोल्टेज के बारे में। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया फेस वोल्टेज किसको बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखें, फेस वोल्टेज का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, वोल्टेज इन बिटवीन टू फेस, वोल्टेज इन बिटवीन टू फेस या फिर हम लोग बोल सकते हैं दो वायर और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है, आई मीन एक वायर और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्टेज इन बिटवीन वन वायर और वन न्यूट्रल इज नोन एज फेस वोल्टेज। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक वायर और न्यूट्रल दोनों के बीच का जो वोल्टेज होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस वोल्टेज, राइट। तो यहाँ पर हमने डिस्कशन किया फेस वोल्टेज, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये VAN, VBN, VCN, इसको हम लोग कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फेस वोल्टेज। सिमिलरली अभी डिस्कस कर लेते हैं लाइन वोल्टेज के बारे में। यहाँ पर ये तीनों वायर हमने जो कंसिडर किया, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है वायर नंबर ए, यहाँ पर ये वायर नंबर है, और यहाँ पर ये वायर बी, और यहाँ पर ये वायर सी। तीनों में से किसी भी दो वायर के बीच का जो वोल्टेज होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्टेज इन बिटवीन टू वायर, दो वायर के बीच का जो वोल्टेज होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला वायर और यहाँ पर ये बी वाला वायर, ये दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे लाइन टू लाइन वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पर ये बी वाला वायर, यहाँ पर ये बी वाला वायर और ये सी वाला वायर, दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा वो भी होगा लाइन टू लाइन वोल्टेज। सिमिलरली ए वाला वायर और सी वाला वायर, दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज। इसका मतलब वायर के बीच का जो वोल्टेज होता है, वायर के बीच का जो वोल्टेज होता है, मैं वायर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग ज़्यादा ज़्यादा सिंपल रखे। अगर मैं यूज़ करूँ वायर के बदले ये फेस टर्म यूज़ करूँ तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो दैट्स द ओनली रीज़न वाई आई एम कंसिडरिंग वायर अगेन एंड अगेन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया अगर हम लोग दो वायर के बीच का वोल्टेज अगर कंसीडर करते हैं तो ये जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन वोल्टेज। अगर हम लोग एक वायर और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज कंसीडर करते हैं तो ये जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फेस वोल्टेज। तो दो वायर के बीच का वोल्टेज हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज। एक वायर और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज क्या बोलेंगे, फेस वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग वेव फॉर्म ड्रॉ करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर हमें मिल रही है थ्री फेस। तो अगर हम लोग ये थ्री फेस के लिए अगर हम लोग वेव फॉर्म बनाएं, अगर हम लोग थ्री वायर के लिए अगर वेव फॉर्म बनाएं तो जो वेव फॉर्म होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। जो थ्री फेस वेव फॉर्म होती है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से तीन वेव फॉर्म मिलती है, यहाँ पर हमें तीन वेव फॉर्म मिल रही है। यहाँ पर एक पहली वाली वेव फॉर्म कर्सर की टिप, और दूसरी वाली जो वेव फॉर्म है वो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से मिल रही है, और तीसरी वाली जो वेव फॉर्म है वो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वेव फॉर्म होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं थ्री फेस वेव फॉर्म, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें हर एक फेजेस के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें जो मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेंगी वोल्टेज की, तो जो वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोग कैसा शो करते हैं, उसको हम लोग शो करते हैं प्लस VM से, और जो वोल्टेज की जो मिनिमम वैल्यू उसको हम लोग कैसा शो करेंगे, उसको हम लोग शो करेंगे माइनस VM से। तो यहाँ पर इसका अगर हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करें तो इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग ये तीनों फेसेस का अगर हम लोग कंसीडर करें तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करें तो जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमें ऐसा मिलेगा। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया, यह है पहली वाली फेस, राइट। तो यहाँ पर ये पहली वाली फेस, और यहाँ पर ये दूसरी वाली, और यहाँ पर ये तीसरी वाली फेस। हाँ, तो अगर अभी हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करें ये तीनों फेसेस के बीच का, तो जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये VAN इज इक्वल टू VP एट एन एंगल 0 डिग्री। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग कौन सा वोल्टेज कंसीडर कर रहे हैं, फेस वोल्टेज कंसीडर कर रहे हैं या फिर लाइन टू लाइन वोल्टेज कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि हम लोग जो वोल्टेज जो कंसीडर कर रहे हो कौन सा वोल्टेज है, फेस वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें VAN इज इक्वल टू VP एट एन एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर ये जो VP है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, RMS वैल्यू। सिमिलरली VBN इज इक्वल टू VP एट एन एंगल माइनस 120 डिग्री, VCN इज इक्वल टू VP एट एन एंगल माइनस 240 डिग्री। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तीनों फेसेस के बीच का जो फेस रिलेशन है
उसको हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया और यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि तीनों फेसेस के बीच का जो फेस डिफरेंस है वो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 120 डिग्री। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 0 डिग्री से 120 डिग्री, फिर उसके बाद 120 डिग्री से 240 डिग्री। यहाँ पर ये VBN फेस और ये VCN फेस दोनों के बीच का जो हमें जो फेस डिफरेंस जो मिल रहा है वो कितना एंगल का मिल रहा है, हमें मिल रहा है 120 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ पर ये VAN फेस और यहाँ पर ये VBN फेस दोनों के बीच का जो फेस डिफरेंस है वो हमें कितना एंगल का मिल रहा है, हमें मिल रहा है 120 डिग्री का। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि तीनों फेसेस के बीच का जो फेस डिफरेंस है वो कितना है, वो है 120 डिग्री का। तो तीनों फेसेस के बीच का फेस डिफरेंस 120 डिग्री का क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तीनों सोर्सेज के बीच का जो फेस डिफरेंस है वो है 120 डिग्री का। तो यही रीज़न की वजह से तीनों फेसेस के बीच का जो फेस डिफरेंस है वो कितने डिग्री का, वो है 120 डिग्री का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो थ्री फेस वेवफॉर्म हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये वाली जो वेवफॉर्म हमें जो दिखाई दे रही है ये है फॉर दी फेस वोल्टेज VAN, और यहाँ पर ये वाली जो वेवफॉर्म हमें जो दिखाई दे रही है ये है फेस वोल्टेज VBN के लिए, और यहाँ पर ये जो वेवफॉर्म जो दिखाई दे रही है तीसरी वाली वेवफॉर्म, ये वाली जो वेवफॉर्म है वो है फेस वोल्टेज VCN के लिए। अगर हम लोग फेजर डायग्राम कंसिडर करें ये थ्री फेज वेवफॉर्म का, तो जो फेजर डायग्राम है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हमें टोटल कितनी वेवफॉर्म मिल रही है, हमें मिल रही है तीन वेवफॉर्म। तो यहाँ पर हमें कितने फेजर मिलेंगे, तीन फेजर। यहाँ पर ये हमने एक फेजर कंसिडर किया फॉर VAN, यहाँ पर ये वाला फेजर फॉर VBN, और यहाँ पर ये वाला जो फेजर है इसको हमने कंसिडर कर लिया VCN के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो तीनों जो फेजर हमें जो दिखाई दे रहे हैं तीनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमें कितना दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है 120 डिग्री का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा तीनों फेसेस में, यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें तीन फेस दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये फेस है, आई होप अभी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा फेस का मतलब क्या होता है, राइट। आप अगर फेस अभी भी नहीं समझो तो आप फेस को वायर रेज्यूम करते हुए चलो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये तीनों फेसेस के बीच का हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा वो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें कैसा मिलने वाला है, हमें सेम मिलने वाला है। तो जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा तीनों फेसेस में वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इन ईच फेसेस विल रिमेन सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों फेसेस के बीच का जो फेस डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 120 डिग्री का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है। अगर हम लोग ये फेजर डायग्राम को देखें तो यहाँ पर ये वाला जो फेजर है किसके लिए, फॉर दी फेस वोल्टेज ऑफ फेस है, फॉर दी फेस वोल्टेज ऑफ फेस है, और यहाँ पर ये वाला जो फेजर है फॉर दी फेस वोल्टेज ऑफ फेस सी, और यहाँ पर ये वाला जो फेजर है फॉर दी फेस वोल्टेज ऑफ फेस बी। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो फेस बी का जो वोल्टेज है वो किसको लैग कर रहा है, फेस ए के वोल्टेज को लैग कर रहा है। कितने एंगल से लैग कर रहा है, 120 डिग्री एंगल से लैग कर रहा है। तो जो फेस बी का जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है 120 डिग्री एंगल से किसको, फेस ए के वोल्टेज को। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो फेस सी का जो वोल्टेज हमें जो दिखाई दे रहा है, फेस सी का जो वोल्टेज है, फेस सी का जो वोल्टेज फेजर है वो लैग कर रहा है फेस ए के वोल्टेज फेजर को। कितने एंगल से, 240 डिग्री एंगल से। तो हम लोग बोल सकते हैं फेस सी का जो वोल्टेज है वो 240 डिग्री पीछे फेस ए के वोल्टेज के कंपैरिजन में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो फेस सी का जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है फेस ए के वोल्टेज को कितने एंगल से, 240 डिग्री एंगल से। तो यहाँ पर हमने थ्री फेस सिस्टम को समझा विद दी हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। यहाँ पर अगर हम लोग और एनालिसिस करें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो तीनों हमने जो फेस कंसिडर किया था, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया था ये थी वाइंडिंग है, और यहाँ पर ये वाइंडिंग भी, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया था वाइंडिंग सी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोस्ट ऑफ दी केसेस हमें ए बी सी नहीं दिया होगा, हमें दिया होगा आर वाई बी। ये जो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग होगी वो होगी वाइंडिंग आर, ये वाली जो वाइंडिंग होगी वो होगी वाइंडिंग बी, और यहाँ पर ये जो वाइंडिंग होगी वो कौन सी वाइंडिंग होगी, वो होगी वाइंडिंग वाई। यहाँ पर हमें ये जो वाइंडिंग है इसको हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ये जो वाइंडिंग हमने जो कंसिडर किया, यहाँ पर ये आर वाली वाइंडिंग, यहाँ पर ये वाई वाली वाइंडिंग, और ये बी वाली वाइंडिंग। तो ये आर वाली वाइंडिंग से हमें जो वायर जो मिलेगा उसको हमने कंसिडर कर लिया वायर आर, और यहाँ पर ये वाई वाली वाइंडिंग से हमें जो वायर जो मिलेगा वो है वायर वाई, और यहाँ पर ये बी वाली वाइंडिंग से हमें जो वायर जो मिलेगा उसको हमने कंसिडर कर लिया ये है वायर बी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आप वायर को फेस भी एज्यूम कर सकते हो जैसे कि हमने बोला था, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा फेस का मतलब क्या होता है, राइट, और फेस टू फेस वोल्टेज का मतलब क्या होता है, और लाइन टू लाइन वोल्टेज का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें टोटली कितने लाइन वोल्टेज मिलते हैं, हमें टोटल तीन लाइन वोल्टेज मिलते हैं। और सिमिलरली अगर हम लोग फेस वोल्टेज के बारे में बात करें तो हमें फेस वोल्टेज जो मिलता है वो भी हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है तीन। तो टोटल हमें तीन लाइन वोल्टेज मिलता है और तीन फेस वोल्टेज मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें तीन लाइन वोल्टेज मिलता है और तीन फेस वोल्टेज मिलता है। लाइन वोल्टेज से हमने क्या डिस्कशन किया था, किसी दो वायर के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइन वोल्टेज।
और सिमिलरली हमने फेस वोल्टेज से क्या डिस्कस किया था, फेस वोल्टेज से हमने ये डिस्कस किया था किसी वायर और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस वोल्टेज। तो हमने डिस्कस किया था कि जो हमें जो लाइन जो वोल्टेज मिलता है कितना लाइन वोल्टेज मिलता है, हमें 3 लाइन वोल्टेज मिलता है, और फेस वोल्टेज भी हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है 3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने डिस्कस किया था लाइन वोल्टेज आर और वाई, वाई और बी और आर के बीच का जो वोल्टेज होगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलेंगे लाइन वोल्टेज। तो हमें यहाँ पर कितना लाइन वोल्टेज दिखाई दे रहा है, 3 लाइन वोल्टेज, यहाँ पर ये वी आर वाई और यहाँ पर ये वी वाई बी और यहाँ पर ये वी पी आर। तो हमें टोटल कितना लाइन वोल्टेज मिला, हमें मिला 3 लाइन वोल्टेज। सिमिलरली फेस वोल्टेज भी हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 3 फेस वोल्टेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आर और न्यूट्रल के बीच का एक फेस वोल्टेज, वाई और न्यूट्रल के बीच का एक फेस वोल्टेज और बी और न्यूट्रल के बीच का एक फेस वोल्टेज। तो टोटल हमें कितना फेस वोल्टेज मिल रहा है, हमें 3 फेस वोल्टेज मिल रहा है, और जो लाइन वोल्टेज है वो भी हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 3 लाइन वोल्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से अगर हम लोग देखें जो वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन हमने जो कंसीडर किया, ये कौन सी वाइंडिंग है, ये है स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। तो यहाँ पर ये स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के साथ एसोसिएटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें कंसीडर करना होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये यहाँ से हमें जो वायर जो मिलेगा वो कौन सा वायर होगा, यहाँ से जो वायर होगा वो होगा न्यूट्रल वायर, राइट। और यहाँ पर ये आर फेस, यहाँ पर ये आर वाला वायर और यहाँ पर ये न्यूट्रल वाला वायर, दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा वो होगा वी आर एन, और ये कौन सा वोल्टेज होगा, फेस वोल्टेज। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये न्यूट्रल वायर और यहाँ पर ये वाई वाला वायर, दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा कौन सा होगा, वो होगा वी एन वाई वोल्टेज, और अगेन जो कौन सा वोल्टेज होगा, ये होगा फेस वोल्टेज, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वी आर एन वोल्टेज और यहाँ पर ये वी एन वाई वोल्टेज, अगर हम लोग ये दोनों को ऐड कर दें तो हमें कौन सा वोल्टेज मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लाइन वोल्टेज। किसके बीच का, हमें मिल जाएगा ये वायर वाई और ये जो वायर आर है, दोनों के बीच का हमें मिल जाएगा लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पर इसका अगर हम लोग फेजर रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें तो फेजर रिप्रेजेंटेशन हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं तो जो फेजर डायग्राम होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। हमने तीनों वोल्टेज कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये वाला जो वोल्टेज हो कौन सा वोल्टेज है, न्यूट्रल वोल्टेज वी आर एन। हमें टोटल हमें टोटल फेस वोल्टेज कितने मिलते हैं, हमें 3 फेस वोल्टेज मिलते हैं। तो तीनों जो फेस वोल्टेज है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये वी आर एन फेस वोल्टेज और यहाँ पर ये वी वाई एन फेस वोल्टेज और यहाँ पर ये वी बी एन फेस वोल्टेज हमने कंसिडर कर लिया। यहाँ पर हम लोग बेसिकली करके आ रहे हैं, ये फेजर रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से हम लोग एक रिलेशन को ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, एक रिलेशन को ड्राइव करना चाह रहे हैं। और वो जो रिलेशन होगा वो क्या होने वाला है, वो है वी एल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 वी पी एच। मतलब स्टार कॉन्फ़िगरेशन में या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो अंडर रूट 3 टाइम्स होता है फेस वोल्टेज के कंपैरिजन में। जो लाइन वोल्टेज होता है बराबर में होता है अंडर रूट 3 टाइम्स फेस वोल्टेज के। तो ये जो रिलेशन है इसे हमें क्या करना है, ये रिलेशन को हमें ड्राइव करना है। तो ये जो रिलेशन है इसी को ही हम लोग ड्राइव करेंगे, बाकी का जितना भी जो कॉन्सेप्ट है स्टार कनेक्शन के साथ एसोसिएटेड उसको हम लोग कट टू कट डिस्कस करते जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने फेजर कंसीडर किया और यहाँ पर ये फेजर में हमने कौन से वोल्टेज कंसीडर करे, हमने कंसीडर करे फेस वोल्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हमें फेस वोल्टेज मिल रहा है वी आर एन और यहाँ पर हमें फेस वोल्टेज मिल रहा है वी एन वाई। यहाँ पर ये दोनों फेस वोल्टेज को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें कौन सा वोल्टेज मिल जाएगा, लाइन वोल्टेज मिल जाएगा। कौन कौन से वायर के बीच में, ये वायर वाई और ये वायर आर के बीच में हमें मिल जाएगा लाइन वोल्टेज, राइट। यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पोटेंशियल, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया, ये है पॉजिटिव पोटेंशियल और ये न्यूट्रल पर हमें जो पोटेंशियल जो मिलेगा वो होगा नेगेटिव पोटेंशियल। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो वी एन वाई वोल्टेज हमने जो कंसीडर किया है इसकी जो पोलैरिटी है इसको हमने कुछ इस तरीके से कंसीडर किया, ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल और नीचे की तरफ हमने कंसीडर कर लिया नेगेटिव पोटेंशियल। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये वाला फेस वोल्टेज और ये वाला फेस वोल्टेज वी एन वाई, दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें कौन सा वोल्टेज मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लाइन वोल्टेज, जिसको हम लोग शो करेंगे वी आर वाई से, राइट, वी सबस्क्रिप्ट में आर वाई से। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वी आर एन ये फेस वोल्टेज और ये वी एन वाई ये वाला फेस वोल्टेज, दोनों का अगर हम लोग एडिशन कर ले या फिर हम लोग बोल सकते हैं दोनों का अगर हम लोग वैक्टर सम करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लाइन वोल्टेज जो कि होगा वी आर वाई। लाइन वोल्टेज कौन कौन से वायर के बीच में, आर वाला वायर और वाई वाले वायर के बीच में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको हम लोग फर्दर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वी आर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो लाइन वोल्टेज है उसको हमने एज इट इज़ लिखा, ये वाला फेस वोल्टेज भी इसको हमने एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर ये जो वी एन वाई है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वी सब स्क्रिप्ट में पहला वाई लिखेंगे फिर उसके बाद एन लिखेंगे और हम लोग कंसिडर कर लेंगे माइनस साइन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, वी और सब स्क्रिप्ट में पहला एन दिखाई दे रहा है फिर उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, वाई दिखाई दे रहा है। इसको अगर हम लोग इंटरचेंज करके लिखे तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वी और सब स्क्रिप्ट में वाई और एन। यहाँ पर हमने देखे जो सब स्क्रिप्ट है इसको हमने क्या किया, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, मतलब एन वाई के बदले हमने कंसिडर कर लिया वाई एन और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे माइनस साइन।
यही रीज़न की वजह से यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया है ये माइनस साइन। तो अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग फेजर डायग्राम में अगर हम लोग शो करें, तो जो VYN वोल्टेज हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो माइनस VYN जो वोल्टेज होगा वो कहाँ पर होगा, वो अपोजिट साइड में होगा। तो जो माइनस VYN जो वोल्टेज है वो हमें कुछ इस तरीके से अपोजिट साइड में मिलेगा। तो माइनस VYN जो वोल्टेज है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपोजिट साइड में बना लिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बहुत अच्छे ये क्लियर है कि दोनों का एडिशन हमें जो मिल रहा है वो क्या है, वो है लाइन वोल्टेज इन बिटवीन आर एंड वाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग पैरेललोग्राम और वेक्टर एडिशन अप्लाई करें, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एक फेजर मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक फेजर मिल रहा है राइट, जिसको हमने नाम दिया माइनस VYN। यहाँ पर हमें फेजर मिल रहा है जिसको हमने नाम दिया VRN। अगर हम लोग पैरेललोग्राम बनाएं, तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाया, ये वाली वर्टिकल लाइन और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पैरेललोग्राम बना दिया राइट। तो यहाँ पर हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा, जो कि ये वाला वेक्टर है, वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है लाइन वोल्टेज जिसको हमने नाम दे दिया VR सबस्क्रिप्ट में Y राइट। तो यहाँ पर ये जो हमने जो मैथमेटिकल रिलेशन जो कंसीडर किया है, ये मैथमेटिकल रिलेशन को हम लोग ये फेजर डायग्राम के हेल्प से समझ रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे ये क्लियर है, ये दोनों का अगर हम लोग वैक्टर एडिशन करें VRN और ये माइनस VYN, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा VRY, जो कि बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये लाइन वोल्टेज R वाले वायर के बीच में और Y वाले वायर के बीच में, जो कि हमें ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमें टोटल कितने लाइन वोल्टेज मिलेंगे, हमें टोटल 3 लाइन वोल्टेज मिलेंगे। तो यहाँ पर ये पहला वाला जो लाइन वोल्टेज है VRY, इसके लिए तो हमने इक्वेशन ऑप्टेन कर लिया, तो इसके लिए हमें जो इक्वेशन जो मिला उसको हमने यहाँ पर ऑप्टेन कर लिया राइट। पहला वाला जो लाइन वोल्टेज है उसके लिए हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑप्टेन कर लिया। सिमिलरली ये दूसरा वाला जो लाइन वोल्टेज हमें जो दिखाई दे रहा है, इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन कंसीडर करें, तो जो इक्वेशन होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, VYN प्लस साइन माइनस VBN। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें वेक्टोरिकल साइन कंसीडर करना होगा, ये हमने डिस्कस किया था फेजर का, जब हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे तभी हमने डिस्कस किया था वेक्टोरिकल साइन हम लोग क्यों एज्यूम करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर ये हमें पता है ये है लाइन वोल्टेज Y और B के बीच का जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे V सबस्क्रिप्ट में Y, फिर उसके बाद लिखेंगे N, फिर उसके बाद प्लस साइन, फिर उसके बाद V सबस्क्रिप्ट में B, फिर उसके बाद लिखना है N, तो माइनस VBN। तो कुछ इस तरीके से हमें लिखना होगा ये मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर दी लाइन वोल्टेज ऑफ VYB। सिमिलरली तीसरा जो लाइन वोल्टेज है वो कौन सा लाइन वोल्टेज है, वो है VBR। तो जो VBR जो लाइन वोल्टेज है इसके लिए हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। तो इसके लिए अगर हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे, तो हमें मिल जाएगा VBR इज इक्वल टू VBN और यहाँ पर ये प्लस साइन माइनस VRN। यहाँ पर अगेन इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो B और R के बीच का जो वोल्टेज है वही बेसिकली क्या है, लाइन वोल्टेज है राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहला VB, फिर उसके बाद सबस्क्रिप्ट में N, फिर प्लस साइन, फिर उसके बाद VR, फिर उसके बाद सबस्क्रिप्ट में N, और हमें यहाँ पर माइनस साइन भी कंसिडर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। तो यहाँ पर हमने क्या क्या था, पहला वाला जो इक्वेशन है इसको हमने इन डेप्थ समझा था, ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने इन डेप्थ समझा था विद द हेल्प ऑफ दिस फेजर, और बाकी का जो इक्वेशन है उसको हमने सिमेट्रिकली ड्राइव किया राइट। तो बाकी का इक्वेशन हमने कैसा ड्राइव किया, बाकी का जो इक्वेशन है उसको हमने सिमेट्रिकली ड्राइव किया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बाकी का जो इक्वेशन है उसको हमने सिमेट्रिकली कंसीडर किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये क्लियर है कि ये वाला फेस वोल्टेज और ये वाला फेस वोल्टेज दोनों का अगर हम लोग वेक्टोरिकल एडिशन करें, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लाइन वोल्टेज राइट। और इसको हमने समझा था विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब भी हम लोग पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो अगर हम लोग ये फार्मूला अगर कंसीडर करें, यहाँ पर ये मॉड ऑफ VRY इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया फेस वोल्टेज का स्क्वायर, और यहाँ पर भी ये फेस वोल्टेज का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स VRN VYN, और यहाँ पर ये कोसाइन ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला फेस वोल्टेज और यहाँ पर ये फेस वोल्टेज किसके बराबर में होते, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये VRN और यहाँ पर ये VYN, ये है क्या, ये बेसिकली ये फेस वोल्टेज जिसको हम लोग कैसा शो करते हैं, VPH से शो करते हैं राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो VRN हमें जो दिखाई दे रहा है, इसके जगह VPH, इसके भी जगह VPH, इसके भी जगह VPH, इसके भी जगह VPH, जब इसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, तो हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से, VL इज इक्वल टू अंडर रूट 3 VPH। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये VRY, ये बेसिकली है क्या, ये जो VRY हमने जो कंसीडर किया है, ये है बेसिकली लाइन वोल्टेज, और जो लाइन वोल्टेज है उसको हम लोग शो करते हैं V सबस्क्रिप्ट में L से। तो V सबस्क्रिप्ट में L से हम लोग शो करते हैं किसको, लाइन वोल्टेज को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, VRY की जगह हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, V सबस्क्रिप्ट में L, और इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं अंडर रूट 3 VPH। इसको जब हम लोग मैथमेटिकली इवेल्युएट करेंगे,
तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अंडर रूट 3 VPH। तो यहाँ पर ही हमने पहला इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया फॉर दी स्टार कॉन्फिग्रेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट की एनालिसिस करेंगे तो ये हमें बहुत काम आने वाला है। तो जब भी हम लोग स्टार कॉन्फिग्रेशन कंसिडर करेंगे तो ऐसे केसेस में जो लाइन वोल्टेज होगा वो किसके बराबर में होगा, जो लाइन वोल्टेज होगा बराबर में होगा अंडर रूट 3 times ऑफ फेस वोल्टेज। तो स्टार कॉन्फिग्रेशन में ये वाला रिलेशन एप्लीकेबल होता है। जब हम लोग पावर सिस्टम पढ़ेंगे तभी हम लोग ये रिलेशन को बार बार अप्लाई करेंगे, और इलेक्ट्रिकल मशीन में भी हम लोग ये वाले रिलेशन को बार बार अप्लाई करेंगे। मतलब ये जो रिलेशन है ये हमें बेसिकली पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम लोग देखें स्टार कनेक्शन में जो लोड करंट होता है वो किसके बराबर, जो लाइन करंट होता है वो किसके बराबर में होता है, जो लाइन करंट जो होता है वो फेस करंट के बराबर में होता है। मतलब स्टार कॉन्फ़िगरेशन में जो लाइन करंट और जो फेस करंट है वो दोनों बराबर में होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लाइन वोल्टेज होता है उसको हम लोग शो करते हैं वी सबस्क्रिप्ट में एल से, और जो फेस वोल्टेज होता है उसको हम लोग शो करते हैं वी सबस्क्रिप्ट में पी एच से। सिमिलरली अगर लाइन करंट अगर हम लोग कंसिडर करें तो जो लाइन करंट है उसको हम लोग शो करेंगे आई सबस्क्रिप्ट में एल से, और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें और जो फेस करंट होगा उसको हम लोग कैसा शो करेंगे आई सबस्क्रिप्ट में पी एच से, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टार कॉन्फ़िगरेशन में जो लाइन वोल्टेज होता है बराबर में होता है अंडर रूट थ्री टाइम्स फेस वोल्टेज के, और सिमिलरली जो लाइन करंट और जो फेस करंट होता है दोनों बराबर में होते हैं इन स्टार कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टार कॉन्फ़िगरेशन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेस वोल्टेज को क्या करता है, लीड करता है। कितने से लीड करता है, 30 degrees से लीड करता है। ये हमें कैसा पता चला, ये हमें फेजर डायग्राम बता रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो हमें जो एंगल जो दिखाई दे रहा है कितने डिग्री का है, 60 degree का। यहाँ पर हमें जो एंगल जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हमने जो वेक्टर जो बनाया, ये वाला जो वेक्टर हमने जो बनाया, ये वाला वेक्टर और यहाँ पर ये वाला वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो है 30 degree। तो यहाँ पर ये जो वी आर एन है वो कौन सा वोल्टेज है, फेस वोल्टेज है, और यहाँ पर ये वी आर वाई ये कौन सा वोल्टेज है, ये है लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो लाइन वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितने से लीड कर रहा है, 30 degree से लीड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइन वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितने से, 30 degree से। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं स्टार कॉन्फ़िगरेशन में। अगेन आई एम रिपीटिंग दी सेम पॉइंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो लाइन वोल्टेज होता है बराबर में होता है अंडर रूट 3 times VPH के स्टार कॉन्फ़िगरेशन में, और जो लाइन करंट और जो फेस करंट होते हैं दोनों बराबर में होते हैं स्टार कॉन्फ़िगरेशन में, और स्टार कॉन्फ़िगरेशन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो लीड करता है फेस वोल्टेज को। कितने से लीड करता है, 30 degree से। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं पावर इक्वेशन के बारे में थ्री फेज सिस्टम में। तो अगर हम लोग पावर इक्वेशन के बारे में बात करें, हमें पता है बेसिकली हमारे पास 3 type के पावर होते हैं। एक जो पावर होता है वो होता है एक्टिव पावर, दूसरा जो पावर होता है वो होता है रिएक्टिव पावर, और तीसरा जो पावर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स पावर, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक्टिव, रिएक्टिव और कॉम्प्लेक्स पावर के ही बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग एक्टिव पावर के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखे तो जो इक्वेशन होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा एक्टिव पावर के लिए। इक्वेशन फॉर एक्टिव पावर इन थ्री फेज सिस्टम, P = 3, यहाँ पर ये VP और यहाँ पर ये IP और यहाँ पर ये cos phi। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखा है एक्टिव पावर के लिए इन टर्म्स ऑफ फेस वोल्टेज एंड फेस करंट। तो यहाँ पर ये एक्टिव पावर के लिए ये रिलेशन होता है। जब भी हमें थ्री फेज सिस्टम में एक्टिव पावर को कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग कौन सा रिलेशन अप्लाई करेंगे, ये वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये इक्वेशन इन टर्म, यहाँ पर ये हमने रिलेशन कंसिडर कर लिया एक्टिव पावर के लिए इन टर्म्स ऑफ फेस वोल्टेज एंड फेस करंट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के रेस्पेक्ट में भी हम लोग इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम लोग लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के रेस्पेक्ट में इक्वेशन कंसिडर करें तो जो इक्वेशन है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा P = √3 VL IL cos phi। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने इक्वेशन कंसिडर किया है इन टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। यहाँ पर ये एक्टिव पावर के लिए हमने इक्वेशन कंसिडर किया इन टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ये आपको आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें हमने डिस्कस किया था जो एक्टिव पावर की जो यूनिट होती है किस में होती है, वो होती है वाट में। यूनिट ऑफ एक्टिव पावर इज़ इन वाट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग दूसरे वाले पावर के बारे में बात करें तो दूसरा जो पावर है हमारे पास वो कौन सा पावर है, रिएक्टिव पावर है। तो रिएक्टिव पावर के लिए हमें जो इक्वेशन जो मिलेगा थ्री फेज सिस्टम के लिए वो हमें दो इक्वेशन मिलेगा। जैसे कि पहला वाला जो इक्वेशन होगा वो फेस वोल्टेज और फेस करंट, और दूसरा वाला जो इक्वेशन होगा वो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर हमने पहला वाला इक्वेशन कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो पहला वाला जो इक्वेशन है वो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के रेस्पेक्ट में, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है, यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है वो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के रेस्पेक्ट में Q = √3 VL IL, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया साइन फाइव।
तो यहाँ पर ये जो हमने जो इक्वेशन जो कंसीडर किया, ये किसके रेस्पेक्ट में हमने कंसीडर किया? ये हमने कंसीडर किया लोड करंट, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के रेस्पेक्ट में हमने कंसीडर किया है। लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पर ये इक्वेशन कंसीडर किया है किसके लिए? रिएक्टिव पावर के लिए। और इसकी अगर हम लोग यूनिट कंसीडर करें तो इसकी जो यूनिट होगी वो होने वाली है KVAR, जो कि होती है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। सिमिलरली अगर हम लोग फेस वोल्टेज और फेस करंट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग रिलेशन कंसीडर करें इक्वेशन, तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा Q=3 × VPH, और यहाँ पर ये IPH और यहाँ पर ये sin∅। यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमने जो कंसीडर किया है, ये जो इक्वेशन हमने जो कंसीडर किया है वो इन टर्म्स ऑफ फेस वोल्टेज और फेस करंट कंसीडर किया है। सिमिलरली तीसरा हमारे पास जो पावर है वो है कॉम्प्लेक्स पावर। तो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर के लिए इक्वेशन अगर कंसीडर करें, तो कॉम्प्लेक्स पावर के लिए भी हम लोग इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फेस वोल्टेज एंड फेस करंट और इन टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेज और लाइन करंट अगर हम लोग इक्वेशन कंसीडर करें, तो हमें मिलेगा S=√3 VLIL। यहाँ पर हमने इक्वेशन कंसीडर किया इन टर्म्स ऑफ लाइन करंट एंड लाइन वोल्टेज। सिमिलरली अगर हम लोग फेस वोल्टेज और फेस करंट के रेस्पेक्ट में इक्वेशन कंसीडर करें, तो हमें मिलेगा S=3 × VPH IPH। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स पावर के लिए इक्वेशन कंसीडर किया इन टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट एंड इन टर्म्स ऑफ फेस वोल्टेज एंड फेस करंट, राइट। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर की यूनिट के बारे में बात करें, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट एम्पियर। तो यहाँ पर हमने तीनों पावर के इक्वेशन को ऑब्टेन किया। यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है वो किसके लिए? वो एक्टिव पावर के लिए। यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है वो है कॉम्प्लेक्स पावर के लिए, और ये वाला जो इक्वेशन हमने जो कंसीडर किया है ये किसके लिए? ये है रिएक्टिव पावर के लिए। सिमिलरली अभी डिस्कस कर लेते हैं लास्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम लोग डेल्टा नेटवर्क भी बोलते हैं। तो जो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। इससे पहले हमने डिस्कस किया स्टार डेल्टा नेटवर्क के बारे में। हमें कुछ इस तरीके से तीन वाइंडिंग मिलेंगी जो कि डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होगी, राइट। और सिमिलरली हमें कुछ इस तरीके से तीन वायर मिलेंगे, वायर आर, और यहाँ पर ये वायर बी, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया, ये है वायर वाई, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें, तो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? जो लाइन वोल्टेज और जो फेस वोल्टेज होता है वो दोनों बराबर में होता है। और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में जो लाइन करंट होता है वो फेस करंट को लैग करता है। कितने से लैग करता है? 30 डिग्री से लैग करता है। और सिमिलरली जो लाइन करंट होता है वो बराबर में होता है √3 times ऑफ फेस करंट के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन और स्टार कॉन्फ़िगरेशन में। हमने स्टार कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिस्कस किया था? हमने स्टार कॉन्फ़िगरेशन में ये डिस्कस किया था कि जो लाइन वोल्टेज होता है वो बराबर में होता है √3 times ऑफ फेस वोल्टेज, और जो लाइन करंट और जो फेस करंट होते हैं वो दोनों बराबर में होते हैं, और जो लाइन वोल्टेज होता है वो लीड करता है फेस वोल्टेज को कितने एंगल से? 30 डिग्री से। सिमिलरली डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग देखें, जो लाइन वोल्टेज और जो फेस वोल्टेज होते हैं वो दोनों बराबर में होते हैं, जो लाइन करंट होता है वो लैग करता है फेस करंट को कितने से? 30 डिग्री से। और जो लाइन करंट होता है वो बराबर में होता है √3 times ऑफ फेस करंट के इन केस ऑफ डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोग स्टार कॉन्फ़िगरेशन और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग बेसिक डिफरेंस देखें, तो स्टार कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से हम लोग सिंगल फेज सप्लाई को ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। मगर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से हम लोग सिंगल फेज सप्लाई को ऑब्टेन नहीं कर सकते। स्टार कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से हम लोग सिंगल फेज सप्लाई को किस तरीके से ऑब्टेन कर पाते हैं? क्योंकि स्टार कॉन्फ़िगरेशन में हमें जो वायर जो मिलता है वो कौन सा वायर होता है? न्यूट्रल वायर होता है। और सिंगल फेज सप्लाई लेने के लिए हमें एक फेस वायर चाहिए होता है, एक न्यूट्रल वायर चाहिए होता है, मतलब एक लाइव वायर चाहिए होता है, एक न्यूट्रल वायर चाहिए होता है, राइट। तो यही रीज़न की वजह से जो स्टार कॉन्फ़िगरेशन है इसके हेल्प से हम लोग सिंगल फेज सप्लाई को ऑब्टेन कर सकते हैं, मगर जो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है इसके हेल्प से हम लोग सिंगल फेज सप्लाई को ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल अवेलेबल नहीं होता। स्टार कॉन्फ़िगरेशन में जो न्यूट्रल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राउंड कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारा जो सिस्टम होगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा फॉल्ट के अगेंस्ट। तो न्यूट्रल को हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राउंड कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारा जो सिस्टम होगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा किसके अगेंस्ट? फॉल्ट के अगेंस्ट। मगर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में जो न्यूट्रल है उसको हम लोग ग्राउंड नहीं कर सकते, क्योंकि डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में न्यूट्रल टर्मिनल ही नहीं होता, राइट। नो न्यूट्रल टर्मिनल इज प्रेजेंट इन द डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया थ्री फेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम के बारे में, राइट। फिर उसके बाद हमने स्टार कॉन्फ़िगरेशन, डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया, हमने थ्री फेज वेवफॉर्म के बारे में बात किया, हमने ये डिस्कस किया स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा रिलेशन एप्लीकेबल होता है, डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन सा रिलेशन एप्लीकेबल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन का हम लोग आगे यूज़ करेंगे जब हम लोग पावर सिस्टम एनालिसिस करेंगे।